हेलो डेवलपर, कैसे हो आप सभी। टुडे वी आर डिस्कस टॉपिक पाइथन कास्टिंग। तो देखो, उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था वहाँ से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन को डाउनलोड किया और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर रखा है। तो पाइथन कास्टिंग क्या होता है, मेनली ये चीज़ समझनी है। और पाइथन कास्टिंग को क्यों यूज करते हैं, देखो पाइथन कास्टिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है जब आप एक डेवलपर की तरह काम करते हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि डेटा कई तरह से आता है, तो उसको हम किस तरह से कास्टिंग करना होता है, तो उसके लिहाज से हमें ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसमें एक डिफाइन कर रहा हूँ, स्पेसिफाई वेरिएबल टाइप्स। देयर मे बी टाइम्स वेन यू वांट टू स्पेसिफाई अ टाइप ऑफ ऑन टू अ वेरिएबल। दिस कैन बी डन विद कास्टिंग पाइथन एंड इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन आपकी कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एंड सच एज इट्स यूजेस क्लासेस टू डिफाइन डेटा टाइप्स, जो कि इसमें क्लासेस डिफाइन की जाती हैं और डेटा टाइप को भी डिफाइन किया जाता है। इंक्लूड इट्स प्रिमिटिव टाइप्स, जो प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप होता है। जैसे डेटा टाइप टू टाइप्स का होता है, एक प्रिमिटिव टाइप्स का होता है, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव के अंदर क्या आता है और नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आता है, ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं आगे आने वाले लेक्चरों में ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कस कर दूंगा। कास्टिंग इन पाइथन इज देयर फॉर डन यूजिंग कंस्ट्रक्शन फंक्शन। जो कास्टिंग का जो काम होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। क्या करता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसका काम करता है क्या आपका ये कास्टिंग। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफाइन। तो नंबर वन आपका आता है इंट। इंट कंस्ट्रक्टर एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल। अ फ्लोट लिटरल बाय रिमूविंग ऑल डेसिमल। जैसे आपके पास में कुछ डेसिमल्स के नंबर हैं या फिर इंटीजर नंबर हैं, तो आपने कोई नंबर इसको दिया, तो ये क्या करेगा, उनको तुरंत क्या करेगा, इनको इंट बना देगा। जो डेसिमल के बाद में जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ओके, और स्ट्रिंग लेटर प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ होल नंबर। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग में जैसे कोई नंबर हमें प्रोवाइड करना होता है, तो हम वहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। अब फ्लोट का क्या, फ्लोट का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर अ फ्लोट नंबर फ्रॉम एन इंटीजर। जैसे आपके पास कोई इंटीजर नंबर है, अब उसको आपको फ्लोट बनाना है, तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज़ें पूरी डिक्लेयर कर रखी थी कि आपको किस किस तरह से आप मतलब कास्टिंग कर सकते हैं। अब देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का क्या है, कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ द डेटा टाइप। मतलब एक होल वर्क पे काम करता है, अलग अलग वैरायटी बनाता है डेटा टाइप्स की। क्या स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्ट्रिंग इंटीजर लिटरल एंड द फ्लोट लिटरल। तो ये इस तरह का एक, देखो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो जब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखो इसके बाद में मैंने इंटीजर को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब इंट मैंने 1 दिया, इंट 2.3 दिया, या फिर इंट मैंने 3 स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग की तरह दे दिया। जब भी मुझे प्रिंट कराना है एक्स बाई जेड को, तो मुझे इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 2 3 ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इनका डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ, मतलब टाइप ऑफ डेटा देखता हूँ, तो इसका जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो इंट में ही मिलेगा। ओके, अब जैसे ये है फ्लोट्स के बारे में। फ्लोट्स में क्या है, 1 2.8 दे दिया, या फिर 3 स्ट्रिंग की तरह दे दिया, या फिर 4.2 दे दिया स्ट्रिंग के अंदर। तब जब कभी मुझे, मैंने आगे फ्लोट लिख रखा है ना, तो उससे ये क्या करेगा, ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो देखो 3 क्या है, एक स्ट्रिंग की तरह मैं दे रहा हूँ, बट ये क्या करेगा, इस जगह पर इसको ना एज अ फ्लोट की तरह ले लेगा, क्योंकि मैंने फ्लोट लिख रखा है। ठीक है, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, देखो फ्लोट फर्स्ट में मैंने दे रखा है, फ्लोट 1 कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिक उसके बाद में 1.0 लगा, 0.0 लगा देगा। तो यानी मतलब ये क्या प्रोसेस कर रहा है, ये फ्लोटिंग करेगा। ओके, अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग की। अब देखो मैंने S1 दिया, या फिर 2 दिया, या फिर 3.0 दिया। ठीक है, तो ये जो भी है ना, ये डेटा मतलब मैंने अगर STR लग रखा है उनके आगे, तो ये क्या है कि स्ट्रिंग ही कहलाएगी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड करूँगा तब मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू, छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है। ओके, थैंक यू।